चलो न्यू चैप्टर, स्क्रीन में देखो सब, किसी को बुक में देखने की जरूरत ही नहीं है, हम सिर्फ वन ऑन वन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कभी ये वर्ड सुना है एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, सुपरवाइज्ड, एडमिन, एडमिन सुने होंगे ना, और मैनेजमेंट, सुपरवाइज, और क्या करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, क्या दिशा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनके पास, और कुछ। तो इससे रिलेटेड लॉ क्यों बनाया है उन्होंने, एक एक्ट नहीं है बच्चे, ये लॉ लिखा है, जैसे हमने कोड पढ़ा है, ठीक है, कोड पढ़ा था, कोड क्या एक्ट था, नहीं था, रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रहा था। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, यस आयुष हो गया बस अभी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, ठीक है, और कुछ श्रेयांश, नहीं याद है, सारे सारे लॉस को एडमिनिस्ट्रेट करना, अच्छा। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज में कौन कौन कवर हो सकता है, अगर हम बोले हमारे कंट्री के एडमिन कौन है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, और कोई अथॉरिटीज नहीं है हमारे लिए, आरबीआई, सेबी, गवर्नर्स, नाइस, ये सब हमारे लिए क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। तो ये जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स है ना, जो हमारी कंट्री के, इनको लेके हमने एक लॉ बनाया। बच्चों एक लाइन पढ़ाती हूं, पावर टेंड्स टू करप्ट, ठीक है, क्या लिखा है, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, मतलब सबसे पहले इसको समझते हैं, ठीक है, फिर तुम लोग बताना, मतलब पहले ये लाइन का मतलब बताओ, पावर टेंड्स टू करप्ट, करप्ट नहीं होती, और किसी के हाथ में पावर आती है तो वो मिसयूज कर सकता है, तो पावर तो टेंड्स टू करप्ट है ही, ठीक है। पावर क्या बोल रहा है, कि अगर किसी के पास भी पावर है तो करप्शन तो है ही, लेकिन एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्यूट करप्शन लाता है, ठीक है, मतलब कि अगर, चलो आ जाओ जल्दी, 10 बजे बोलने के बाद भी 10:20 आ रहे हो, स्नेहा से पूछूं, क्यों स्नेहा, 9:30 का भी मैंने 10 किया है, 10 का भी 10:05 नहीं, 10:10 नहीं, सीधे 10:20, संडे था कल, पिज्जा खाने गई थी टू व्हीलर में व्हाइट टी शर्ट पहन के, है ना, है ना, तुम्हारे हॉस्टल में कैमरास लगवा दिए हैं मैंने। चलो पावर टेंड्स टू करप्ट, हमने न्यू चैप्टर चालू किया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पहले वो खोलो, पावर टेंड्स टू करप्ट और एब्सोल्यूट पावर टेंड्स टू करप्ट एब्सोल्यूटली, ठीक है, मतलब कि अगर एक पर्सन को हमने पार दी है तो हम बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है करप्शन होगा, और लोगों को पार दिया हाँ करप्शन होगा और लोग, लेकिन अगर सिर्फ एक पर्सन को हैंड में दे दी सारी पार, कि सारी एब्सोल्यूट पार सिर्फ और सिर्फ आपके है, तो पक्का है करप्शन तो होगा ही। तो हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ रहे हैं ना बच्चे, वो बोलते हैं कि अगर हमारे पास एक लॉ मेकिंग बॉडी होती है, लॉ मेकिंग बॉडी के पास एब्सोल्यूट पावर क्या है बच्चे, कि वो सारे लॉज वही बनाएंगे, क्या वो हमारे साथ उठते बैठते हैं, नहीं, क्या हमारे पार्लियामेंट के लोग हमारे साथ उठते बैठते हैं, भाषण देने के अलावा और क्या क्या करते हैं, वो कुछ नहीं करते तुम्हारे अकॉर्डिंग, लेकिन बच्चों, लेकिन वो हमारे डे टू डे मैटर्स को, या हम जो स्टेट में बैठे हैं, अब हमने तो उनको कभी पर्सनली देखा भी नहीं, शायद हमने अपनी स्टेट गवर्नमेंट को पर्सनली देखा भी होगा, लेकिन हमने अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना फ्रीक्वेंटली देखा भी नहीं है, ठीक है, तो हमारे साथ वो उठते बैठते नहीं, पर वो हमारा लॉ जरूर बनाते हैं, हमारे सारे एक्ट्स पास्ड बाय पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है, जब प्रेसिडेंट अप्रूव करता है, बिल पास होता है, फिर वहां पे डिस्कशन होता है, उसके बाद हमारे सारे लॉ बनते हैं। चलो प्राइम मिनिस्टर को तो फिर भी हम सुन लेते, प्रेसिडेंट से तो हमारा शायद ही कोई लिंक बैठता होगा, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि जो हमारे साथ बैठते हैं,
जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, जो हमारी अथॉरिटीज हैं हमारे स्टेट वाइज, हम उनको भी कुछ ना कुछ राइट्स पार दें, ठीक है? तो हमारी जो एब्सोल्यूट पार है ना वो थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है? डेलीगेशन हम बोलेंगे इसको, ठीक है? कहीं ना कहीं हम बोल रहे हैं कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके पास भी थोड़ी अथॉरिटी आए टू मेक पास, टू यूज दैट पार एंड मेक सम रूल्स फॉर अस, ठीक है? जो शायद एक्ट में नहीं लिखे हो और हम एक्ट में लिख दें कि ये वाली पार ना आपको है। बहुत सिंपल एग्जांपल बच्चों, हमने एक एक्ट पढ़ा था, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं बता देती हूँ, एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट होता है जिसमें क्या होता है बच्चों, कुछ एसेंशियल कमोडिटीज, कमोडिटीज यानी प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो हमारे लिए एसेंशियल्स हैं। अब तुम बोलोगे फोन तुम्हारे लिए एसेंशियल है, तो उस एक्ट के हिसाब से फोन नहीं, वो ऑल ओवर कंट्री सोच रहे हैं कि कुछ पल्सेस, कुछ ड्रग्स मतलब दवाइयां, कॉटन, शुगर, फर्टिलाइजर्स, ये सब, पेट्रोलियम, ये सब हमारे क्या है, बेसिक नीड्स है, हमारे एसेंशियल्स हैं। तो इनकी जो भी प्राइसिंग है, इनकी जो भी ट्रेडिंग है, इनको लेके कितना कौन कितनी वेजिटेबल्स रख सकता है, ये पार हमने किसको दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है? उस एक्ट में जब इतनी सारी बातें लिख दी, फिर नीचे लिखा था एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ पार टू इंक्लूड मोर ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एंड रिमूव सम ऑफ द एसेंशियल कमोडिटी। अब लॉ मेकिंग बॉडी कौन है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने ये पार किसको दे दी, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है? अब सेंट्रल गवर्नमेंट के भी नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज आती हैं। अब उन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ने डिसाइड किया था कोविड के टाइम पे कि जो हमारे सैनिटाइजर्स हैं और ये मास्क है वो क्या है हमारे अब एसेंशियल कमोडिटीज। ये अमेंडमेंट थोड़ी पार्लियामेंट में बैठ के पास हुआ था, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ने हमको दिया हुआ था कि अब मास्क और सैनिटाइजर्स क्या है, एसेंशियल कमोडिटीज है। एक और एग्जाम्पल, दिल्ली में पता है बहुत सारा एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है बच्चों? एयर पॉल्यूशन के लिए क्या एक्ट नहीं बनाया है, बनाया है हमारे हमारे पार्लियामेंट ने, ठीक है? तो एक एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन सबके रिगार्डिंग एक एक्ट बना हुआ है। तो जब एयर पॉल्यूशन का एक्ट बनाया था तो उन्होंने क्या किया, उसमें क्लियरली बताया हुआ था कि कैसे होता है, कोई पॉल्यूट करेगा तो ऐसा होगा, उसको इतने पे करना पड़ेगा कंट्री को, वो यहाँ फंसा सकते हैं वहां। अब दिल्ली में इतना पॉल्यूशन हो गया कि वहां की अथॉरिटीज ने एक रूल निकाला, पता है तुम लोगों को, रेड लाइट ग्रीन लाइट रूल था कि जब जब रेड लाइट होगी आपको अपना जो गाड़ी है वो बंद करना पड़ेगा, ठीक है? तो उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं थोड़ा बहुत एयर पॉल्यूशन। ये हमारे जो एयर पॉल्यूशन के कंट्रोल बोर्ड ने बनाया है, ठीक है? तो ये वहां जो एयर पॉल्यूशन एक्ट है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कौन हो गई, वो कंट्रोल बोर्ड, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सुना है, ठीक है? एयर पॉल्यूशन नहीं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बनाया था कि जब भी रेड लाइट होगी आप गाड़ी बंद कर दोगे। अच्छा, इवन ऑड भी एक रूल आया था, इवन ऑड रूल आया था कि जिन गाड़ीज का इवन नंबर है वो MWF पे आएंगे, जिन गाड़ीज का ऑड। क्या ये एक्ट में लिखा है? नहीं। तो ये पार आपको कैसे मिली, क्यों हम सब वो रूल्स मान रहे हैं? हमारे एक्ट में कुछ नहीं लिखा, हम नहीं मानेंगे, हम ऑड है, हम आएंगे MWF में, हम TTS में भी गाड़ी चलाएंगे। MWF TTS समझते हो ना? नहीं समझती? मंडे ट्यूसडे वेनसडे का, मंडे वेनसडे फ्राइडे इज MWF, TTS इज ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ठीक है? ऑल्टरनेट डेज। तो अब बच्चे क्यों सुन रहे हैं हम उनकी, क्यों हमने मास्क और सैनिटाइजर्स को असेंशियल मान लिया? बीच में ये भी रूल आया था कि हर स्टोर पे एक सैनिटाइजर लगा रहेगा, जैसे ही आप एंटर करोगे सबसे पहले कस्टमर हैंड सैनिटाइज करेगा और उसके बाद ही आपके शॉप पे एंटर करेगा। और सबने लगाए थे, हमारी हर छोटी सी छोटी दुकान में भी सैनिटाइजर का वो लगा हुआ था स्टैंड, कुछ कुछ स्टाइल वाले भी लगे हुए थे, हाथ रखो तो ऐसे शावर हो रहा था। तो ये सारे सैनिटाइजर्स लोग क्यों सुन रहे थे, एक्ट में तो कहीं नहीं लिखा है, हम क्यों माने? ये रूल्स बनाने वाले कौन, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, ठीक है, पर हम क्यों सुन रहे थे? क्योंकि क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है इन लोगों को। अब बच्चे जो ये अथॉरिटीज हैं ये कवर होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, इसमें इन एजेंसीज को डिस्क्राइब किया गया है। इस पूरे एक्ट में हम समझेंगे कि हाँ हमें ये पता है कि हमने इसलिए माना क्योंकि गवर्नमेंट में, पर एक्ट में हम समझेंगे कि हाँ ये अथॉरिटीज को ये पार दी गई है कि ये वाले छोटे छोटे रूल्स ये बना सकते हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल्स में देखा है, जैसे कि एक एसेंशियल कमोडिटी, अच्छा ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स में हमने देखा कि अब वो एक्ट तो बन गया कि कौन से चीजों को, कॉस्मेटिक्स, कौन से मेडिसिन को लेके कौन सी आप बेच सकते हो,
इसमें टाइम टू टाइम ना अमेंडमेंट्स आते हैं, टाइम टू टाइम कुछ रूल्स आते हैं, जैसे कोविड इज द बिगेस्ट एग्जांपल, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड की गई थी फॉर कोविड, तो वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ने रूल्स बना दिए। अब कंपनीज एक्ट तो बन गया 2013 में, हमारे पार्लियामेंट में पास कर दिया, आए दिन उसमें अमेंडमेंट आते हैं, आए दिन उसमें रूल्स आते हैं। ये देती है हमारी MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। वो कौन है बच्चे? उसके एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज और MCA जो बोलती है हमको मानना पड़ता है। कंपनी लॉ में कहीं नहीं लिखा है कि ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा, ये वाली डिटेल देनी पड़ेगी, पर अगर MCA ने बोल दिया तो हमको करना पड़ता है। ये पार उसको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंडर मिली है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बताता है कि ये जो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अपनी बना रखी है ना, उनके पास ये पार है कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस बना ले। अब बच्चों ये सारी चीजें हमारे हेड ऑफ द लॉ जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ को डिफाइन किया गया है, जैसे कि ऑर्डर, रूल, रेगुलेशंस, बता रही हूं कहां पे है। ये देखो 13(3)(a) में बताया गया है कि लॉ क्या क्या इंक्लूड करता है। ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डिनेंसेस इज अ टाइप ऑफ रूल ओनली। ऑर्डर भी डिफाइन किया है उसको, बायलॉज भी डिफाइन किया है, रूल्स भी किया है, रेगुलेशन भी किया है, नोटिफिकेशन भी किया है, कस्टम यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। जब लॉ की डेफिनेशन में ये सब बोल दिया, तो जब रूल आया ना किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से, वो लॉ है, ठीक है। अगर वो रूल आया है कि आपको अपनी गाड़ी बंद करनी है, ये क्या है? एक रूल है, ठीक है। लेकिन सब इसलिए मान रहे हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है हर वो रूल, हर वो ऑर्डर, हर वो ऑर्डिनेंस, हर वो यूसेज, हर वो कस्टम लॉ है, ठीक है। इसलिए तुम सबको वो चीज माननी पड़ेगी। अब ऑर्डर मतलब एक रेप केस हुआ था, ठीक है, रेप की डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड नहीं थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने वो दिल्ली रेप केस में बहुत सारी चीजें वो इंक्लूड करी कि अब रेप की डेफिनेशन में ये सब चीजें भी कवर होंगी। इवन मतलब टीजिंग समवन भी हम कवर कर देंगे कि हाँ आप कहीं ना कहीं अटेम्प्ट करने की कोशिश में हो। तो अगर ये सारी चीजें एक जज ने बैठ के ऑर्डर में बोली, क्या वो लॉ में लिखी थी? नहीं लिखी थी, तो वो उनका ऑर्डर भी क्या बन गया बच्चे? लॉ बन गया। क्यों? क्योंकि हमारे हेड ऑफ द लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉ की डेफिनेशन इस तरीके से दी है कि अगर कोई भी लॉ, ऑर्डर, यूसेज, ऑर्डिनेंस, रूल, रेगुलेशन, ये सब कस्टम, ये सब आते हैं, तो ये सब भी बच्चे क्या है? लॉ है। तो एडमिनिस्ट्रेटर, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंडर जो जो उनके पास पावर है, उसके अगेंस्ट अगर वो हमें कुछ बताते हैं तो हमें वो मानना पड़ता है, क्योंकि वो एक क्या है? लॉ है। अब देखो सबसे पहले हमारे क्या होते हैं? लेजिस्लेचर। बच्चों वो क्या करते हैं? ऐसे देखो सेंट्रल बोर्ड की पावर देखते हैं। चलो स्ट्रक्चर क्या है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का, सबको क्लियरली दिख रहा है? पढ़ के मैं बता दूंगी तो हैंडराइटिंग समझ आ जाएगी। सबसे पहले देख रहे हैं हम कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट आखिर बनी कैसे, ठीक है। सबसे पहले आते हैं लेजिस्लेटिव्स, फिर आते हैं एग्जीक्यूटिव्स, और फिर आते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। लेजिस्लेटिव यानी लॉ मेकिंग बॉडी, उसमें कौन कौन है? एक सेंट्रल है, एक स्टेट है, पार्लियामेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव भी है, ठीक है, काउंसिल। अब बच्चे ये सब हमने पढ़ा हुआ है बचपन में भी, हिस्ट्री वगैरह में कहीं ना कहीं सुना है कि हाँ ये सब तो होते ही हैं, ये सब हम डीपली कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखेंगे। तो जो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी, उसने क्या किया? लॉ बना दिया, ठीक है। इसे इंप्लीमेंट कौन कराएगा? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में कौन बैठे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स, ये लोग हमारे को क्या कराते हैं? इंप्लीमेंट कराते हैं। ये चीज तो डिक्लेयर्ड थी ही। फिर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ में पनिशमेंट्स, जो हमारे जुडिशरीज है वो क्या करते हैं? अगर आपने लॉ कहीं ब्रेक किया है तो हम उसको क्या करेंगे? आपको पनिश करेंगे। वो पार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये हमारा पूरा सेंट्रल बोर्ड का एक स्ट्रक्चर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर है कि एक लॉ मेकिंग बॉडी होती है, एक इंप्लीमेंट करती है और एक बोलती है कि अगर आपने कोई कांड किया है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, उसके लिए हमने जजेस बना दिए। अब जो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं बच्चों पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में समझेंगे कि वो इसका रोल भी प्ले करता है और इसका रोल भी प्ले करता है, ठीक है। कई बार हमने देखा है कि कोई ऐसे अथॉरिटीज बनाई है जो आपको पनिश करेगी और आप इस अथॉरिटीज से खुश नहीं हो ना, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ, फिर हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में। हमने देखा है रेरा एक अथॉरिटी बना दी, अगर आप रेरा से खुश नहीं हो तो आप उसकी एपलेट में जाओ, उससे खुश नहीं हो तो फिर हाई कोर्ट में आओ। तो वो जो अथॉरिटी हमने बनाई है वो अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की पार से बनी है,
ठीक है, क्योंकि हमने एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑलरेडी बना दिया है कि अगर आप ऐसे लोगों को अगर एडमिन करने की पावर देते हो तो ये भी देते हो कि वो किसी को ना किसी को पनिशमेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कमीशन बना दी हर जगह की, नेशनल से भी कुछ नहीं हो तो फिर जाओ ना सुप्रीम कोर्ट के पास। तो हम ये कहीं ना कहीं आपको एक लोअर लेवल पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के नाम पे कुछ कुछ लोगों को ये सारी पावर्स दे रखते हैं। वो क्या कर रहा है, लेजिस्लेटिव का काम भी कर रहा है और जुडिशरी का भी कह सकते हैं हम कि उनका भी काम कर रहा है, और एग्जीक्यूटिव का तो वो कर ही रहा है। ये हमने समझा। अब देखो फॉर हुम और हुम इट इज एप्लीकेबल। सबसे पहले लेजिस्लेचर जो एनेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट जो लॉ पास हुआ है उसको इंप्लीमेंट करते हैं, और फिर जुडिशरी जो इंटरप्रेट द लॉ करते हैं, मतलब अगर कहीं कोई गलती हुई तो आपको पनिशमेंट वो करेंगे। ठीक है, अब देखो ये ऐसे इवॉल्व क्यों हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, सबसे पहले ना हमारी पुलिस स्टेट थी, स्टेट यानी हमारी कंट्री। ठीक है, अब वो बन गई है सोशल वेलफेयर स्टेट। जब वो पुलिस स्टेट थी ना तो डिफेंस ऑफ द कंट्री, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स सिर्फ इतना काम करती थी। ठीक है भाई, हमको सर ने बोल दिया है, पार्लियामेंट ने बोल दिया ये लॉ है, ठीक है टैक्स कलेक्ट करने, ठीक है हम ना बस जो उनने ऑर्डर दिया उसको मेंटेन करेंगे, जस्टिस हो सबके साथ, बस हमारा यही काम है। लेकिन अब जब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आया तो उनका आ गया सोशल वेलफेयर स्टेट। हम उनको बोलते हैं कि प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल वेल बीइंग, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, प्रोटेक्टर प्रोवाइडर एंटरप्रेन्योर एंड इकोनॉमिक कंट्रोल। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं तुम्हारा बस बेस क्लियर करना चाहती हूँ कि बच्चों ये क्यों है, कहाँ से आया, एक नॉलेज पर्पज से। ठीक है, ताकि तुम्हारे मेंटली जब तुम पढ़ो तुम्हारे माइंड में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पूरा का पूरा क्लियर हो कि पहले हमारी कंट्री एक पुलिस स्टेट थी, अब हमारी कंट्री क्या बन गई, एक सोशल वेलफेयर। वो नॉट जस्ट सिर्फ और सिर्फ जो उसको ऑर्डर्स ऊपर से मिले वो फॉलो करती है, वो हमारे साथ उठती बैठती है तो वो हमारा भी ध्यान रखेगी। उसको उसको मतलब होना चाहिए कि यार इन लोगों के साथ कोई गलत ना हो, वो पहले हमारा सोचेगी और फिर उनका सुनेगी और फिर कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स रूल्स रेगुलेशंस लेके आएगी। तो उसके पास ये तो है कि ऊपर से ऑर्डर सुनना है, पर उसके पास अब ये भी है कि ये जो जिन लोगों के साथ हम एग्जिस्टिंग लोग हैं हमारे जिनके साथ उठ बैठ रहे हैं, हम उनके वेलफेयर का भी सोचे। अब एक्ट बनाने वाले हमारे साथ उठ बैठ नहीं रहे, तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो उनको नहीं समझ आती होगी कि यार अब दिल्ली में यार इतना पॉल्यूशन है तो अब मैं क्या करूं, अब वो सोचेंगे, फिर डिस्कशन होगा, धर 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 पार्लियामेंट में बेंचेस बचाएंगे, इतने सारे झगड़े करेंगे वो लॉ बनाने के लिए कि रेड लाइट और कोई टाइम पे आपको गाड़ी बंद करनी है, और इवन ये बनाने के लिए वो पता नहीं कितने साल ले लेंगे। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, हम एक सोशल वेलफेयर स्टेट बनाते हैं जिसमें वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज देंगे, हमारे लिए सोचेंगे। जितने सारे ये जो हमने वेजेस एक्ट और ये सब बड़े ना, ये कहीं ना कहीं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज की इच्छा से बने कि वो सोच रही थी कि यार अब लेबर का भी कुछ सोचो, इन लोगों का भी कुछ सोचो, जो छोटी मोटी गवर्नमेंट्स है ना ये सब हमारे लिए सोचती हैं। ठीक है, जैसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में और चीजें इंक्लूड करना, ये सब हमारे वेलफेयर के लिए आया ना। अब ये चीज लॉ में बनती तो कोविड तो चला भी गया, अभी तक वो एक्ट में ऑर्डिनेंस आया भी नहीं होता। ठीक है, वो पॉइंट इसीलिए जल्दी से जल्दी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आ गए क्योंकि अब वो क्या सोच रहे हैं, हमारे वेलफेयर के लिए। सैनिटाइजर मैंडेटरी करना हमारे वेलफेयर के लिए था कि हम लोगों को कोविड से इतनी बीमारी नहीं हो कि डेथ हो जाए। ठीक है, पहले गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत मिनिमम था, अब कंट्रोल बहुत बढ़ गया है। अब जैसे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक एक्ट था 2005, उसके अंडर एक कमीशन थी, फिर उन्होंने उसके अंदर एक मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बना दी जो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है। जैसे तुम्हारे केस एक ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हर चीज बताती है। तुम्हारे केस में एमसीए है, एनसीएलटी अगर है, ठीक है तो एनसीएलटी भी अलग, एक तुमने जुडिशरी बॉडी बनाई है। ठीक है, अब जो उसके अंदर आरओसीज आते हैं, आरडीज आते हैं, एमसीएज आते हैं, ये लोग अगर कुछ रूल्स देना तो एनसीएलटी को भी सुननी पड़ेगी। तो जब लॉ बनाने वाले पार्लियामेंट, कंपनी लॉ हमारा उन्होंने बनाया, फिर उन्होंने एक जुडिशरी बॉडी भी बना दी जो कि क्या है बच्चों, एनसीएलटी। अब बीच में उन्होंने एमसीए, आरओसी, आरडी, हमारे लिए सारे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज भी क्रिएट कर दिए। ठीक है, अब इन लोग अगर कुछ बोलेंगे तो हमें मानना पड़ेगा, और ये इन दोनों के बीच का गैप फिल करते हैं हमारे लिए, मतलब सोशल वेलफेयर के लिए। अभी सब चीज क्लियर हो गई कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है। ठीक है,
देखो स्टार्टिंग में ही लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज. तो उनके पास क्या पावर है, क्या ड्यूटीज है और उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है. ठीक है, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ लॉ दैट ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ दैट डील्स विद द पावर्स फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वेरियस ऑर्गन्स ऑफ स्टेट. ठीक है, हमारे ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट यानी जितने ऐसे लोग बैठे हैं जिनके पास कुछ ना कुछ अथॉरिटीज है, उनके पावर फंक्शंस और हम यही चीजें डिस्कस करेंगे. तो इस लॉ में वो चीज उनको दे दी गई है कि आपके पास इतनी पावर है, आपके पास इतने फंक्शंस, आपके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने एरिया के लोगों का ध्यान रखो. द सबसेट ऑफ द पब्लिक लॉ इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बनाया हुआ है. उसके बाद establish the administrative and quasi judicial authorities, organization frame and power structure in order to enforce law. मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ नया law भी ला सकते हैं. It establish a control system with administrative agencies. हम देखेंगे ये agencies क्या है. Maintain their boundaries and primarily concerned with official actions and processes. मतलब हमने administrative agencies बना दिए, वो कितनी boundary में काम करेंगे, कितनी सारी powers हैं उनके पास और कितने actions और processes वो follow करेंगे. अब ये दो तीन स्कॉलर्स हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, डिफाइन किया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को. देखो सबसे पहला है केनेथ क्लब, ये नहीं होगा ओल्ड बुक में है. ही वॉज अ लीडिंग अमेरिकन लीगल स्कॉलर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. ही डिफाइन्स इट एज अ लॉ कंसर्निंग पावर्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी. उसने क्या बता दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, जो पावर्स एंड एजेंसीज बताता है. किस किस के पास नोट्स हैं, प्रेजेंट एक नोट्स वहां देना, जैसा मैंने मार्क किया उसकी बुक में वैसा मार्क कर देना. ठीक है, इसका देख के करोगे टाइम बच जाएगा. और पीछे बुक्स हैं दोनों के पास है, ये लोग तो कह रहे हैं इनकी जैसी बुक है. ठीक है, इसकी बुक में देख लो, तुम लोगों के पास हो गई बुक, तुम लोगों के पास है, दोनों के पास नहीं है. अच्छा, उसमें वो वाला पेज नहीं है, सबके पास बुक है. चलो उस यहां से रीड करना चालू करना, इंक्लूडिंग स्पेशली से एजेंसीज के बाद. जी और रूल मेकिंग. बच्चों इसने क्लियरली एक्सप्लेन किया, मिला लाइन, नहीं मिला बताना उसको जिया. ये जो पर्सन है इसने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, ना वो कोई कोर्ट है ना ही वो कोई लेजिस्लेटिव बॉडी है. ठीक है, ये दोनों चीजें वो नहीं है, तो ना वो जुडिशरी है ना ही वो लेजिस्लेटिव. वो ऐसी बॉडी है जिसको हमने एजुडिकेट किया, मतलब जिसको हमने ऐसा पार दी है कि वो भी एक रूल मेकिंग पार दी है कि वो भी एक रूल मेकर बन सकता है. ठीक है, उससे क्या होगा, प्राइवेट राइट्स हमारे अफेक्ट होंगे. अफेक्ट होंगे मतलब कहीं ना कहीं बेटर अफेक्ट होंगे. ठीक है, हमारे जो प्राइवेट राइट्स हैं कि सर हम इस सिटी में रह रहे हैं, इस सिटी में बहुत बहुत गंदगी है, यहाँ की देखिए हर जगह पे पानी भर जा रहा है, गड्ढे हैं, तो ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है जो हमारी ये राइट्स है कि हमें रोड्स क्या चाहिए, क्लियर रोड्स चाहिए, तो वो इसके लिए हमको हेल्प करेंगे. तो क्या वो लेजिस्लेटिव बॉडी है, नहीं है, ना वो उसके पास लॉ बनाने की पावर है. क्या वो जुडिशरी है, ना वो हमारे लॉ को या कोई भी मैटर को जज करने की पावर है, लेकिन उसके पास रूल मेकिंग पावर है कि जब वो रोड बना दे तो वो क्लियरली रूल बना दे कि यहाँ पे कोई भी कचरा नहीं फेंकेगा, जैसे इंदौर वगैरह में हो गया है. ठीक है, अब आगे बढ़ना. ही फर्दर एड्स अब उसने क्या बोल दिया आगे और ऐड क्या कर दिया कि जुडिशियल रिव्यू जो है द मैनर विच पब्लिक ऑफिशियल्स हैंडल द बिजनेस अनरिलेटेड ऑफ एजुकेशन और इज नॉट अ पार ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव. जो जज लोग कर रहे हैं, जो लेजिस्लेटिव कर रहे हैं, वो उसके वहां पे कवर नहीं हो रहा है. इसके पास अलग से ही हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पार दे दी कि आप एक्स्ट्रा रूल्स हमारे लिए बनाओ और उसको एनफोर्स कराओ. लेजिस्लेटिव
फंक्शन, ये क्या कर रहा है, ऐसे प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, अभी हम देखेंगे एजेंसीज में क्या क्या आते हैं, तो वो इतने प्योर हैं कि उनके पास ना लेजिस्लेटिव वाली पार है ना ही जुडिशरी वाली पार है, ये इन सब चीजों से एक्सक्लूड होके एक नया पर्सन बनता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। अब ऐसी एक एल्बर्ट वैन और नॉर जीन, ये दिया हुआ है क्या बुक में, इन दोनों ने भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, इसको आप लोग रीड करके आएंगे, दोनों ने ही यही बातें को डिफरेंट वे में एक्सप्लेन किया है कि वो उसके पास एक अलग पावर है, वो एक अलग पर्सन है, उनकी एजेंसीज क्रिएट होती है और वो उनके पास रूल मेकिंग पावर है। अब आप देख रहे हैं नीड एंड सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्यों जरूरत पड़ी हमें इसकी और इसके सोर्स क्या है, ठीक है, मैं एक ओवरव्यू देती हूं कि बच्चों जो इसका देखो नीचे सोर्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये जो नीड आई है वो नीड क्यों आई है, क्योंकि तीन ऑर्गन्स है हमारे, हमने अभी पढ़ा लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, जो मैंने तुम लोगों को वो पूरा एग्जाम्पल एक टेबल समझाई ना वो इस नीड में भी है। ट्रेडिशनली लेजिस्लेचर वॉज टास्क्ड विद द मेकिंग लॉज, एग्जीक्यूटिव विद इम्प्लीमेंटेशन और जुडिशियरी विद एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस एंड सेटलमेंट डिस्प्यूट्स, ये हमारा एक तीन ऑर्गन का मैटर चल रहा था, ये हमारा स्ट्रक्चर था कि हम ऐसे काम करते थे। हाउएवर दिस ट्रेडिशनल डिमार्केशन ऑफ द रोल हैज फाउंड वांटिंग इन द मीटिंग ऑफ चैलेंजेस इन द प्रेजेंट ईयर, इतने चैलेंजेस आने लग गए कि हम नहीं कंप्लीट कर पा रहे थे, तुम प्राइवेट इश्यूज प्राइवेट राइट्स को हम नहीं टच कर पा रहे थे, इसलिए हमने क्या बनाया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कि तुम्हारे डे टू डे जो भी इश्यूज हो रहे हैं तो वो तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट समझ पा रही है, सर हमारे स्टेट में असर हो, दूसरा बोला हमारे स्टेट में तो नहीं हो रहा तो हम इसके लिए लॉ क्यों बनाएंगे, तो आप अपने स्टेट के लिए बना लो, चलो हमारे यहाँ तो कोई एयर पोल्यूशन या ऑड इवन रूल्स ये सब नहीं हो रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि बहुत ट्रैफिक में फंस रहे हैं हम, तो हमने इसलिए वो रूल नहीं बनाया, इस चीज के लिए हमने कोई एक्ट पास नहीं, क्योंकि जब कोई एक्ट आएगा तो बच्चे पूरे कंट्री को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अथॉरिटीज दे दी। द लेजिस्लेचर इज अनेबल टू कम अप विद द रिक्वायर्ड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लेजिस्लेशन बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ टाइम, टेक्निकल नेचर ऑफ लेजिस्लेशन एंड रिजिडिटी ऑफ देयर इनएक्टमेंट, जो हमारे लॉ मेकिंग है ना वो इतना टाइम लेते हैं, इतनी इश्यूज होते हैं उनके लॉ बनाने में भी, उसके बाद इतनी जिद्दी है, इतने रिजिड है वो, कि वो चीजों को ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने के बाद एक लॉ बनाते हैं, और उनमें इतनी सारी लिमिटेशन आ रही है टाइम को लेके कि आप इतना डिले लगाते हो एक लॉ बनाने में, इसलिए हमने एडमिनिस्ट्रेटिव की नीड समझी कि हमें ना ये ऐसा लॉ बनाना चाहिए कि हमारे इन ऑन अराउंड जो बॉडीज बैठी है ना वो हमारे लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन और लॉ बना दे। द ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस थ्रू जुडिशरी इज टेक्निकल एक्सपेंसिव एंड डिलेटरी, अब जो जुडिशरी है वो महंगी भी है, ठीक है, वो हमारा ट्रेडिशनल यही चल रहा है कि वहां पे इतनी फीस भरो, वहां पे भी बहुत सारे टाइम लगते हैं, आज हियरिंग कल हियरिंग, और वो इतने बिजी हैं, उनके पास इतने मैटर्स है कि वो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव वाले काम को नहीं कर पा रहे, हमारे लिए ऐसे वाले ऑर्डर्स नहीं दे पा रहे हैं जो हमेशा हर जगह फॉलो हो, ठीक है, तो द स्टेट हैव एम्पावर्ड द एग्जीक्यूटिव, जो बीच में बैठे थे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच, टू फिल द गैप ऑफ लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, तो वो क्या कर रहे हैं लेजिस्लेचर का भी काम करेंगे और जुडिशरी की, भाई उसके पास भी इतने सारे टंटे लेके मत जाओ, आपके पास हम एक अथॉरिटी बना देते हैं, अभी छोटे मोटे स्मॉल कॉजेज वाली चीजें इनसे सॉल्व करा लो, इनके पास भी मत जाओ, हर रूल का एक नया एक्ट चालू करो, अब इसका एक्ट चालू करो, अब ये चीज इंक्लूड करो, इतना वो टाइम लेंगे, इस एक काम करो एडमिनिस्ट्रेटिव ने जो पास किया ना उसको लॉ मार लो, लॉ के पीछे पीछे वो अमेंडमेंट्स लगाते जाओ, ठीक है, तो द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेट सिग्निफिकेंस क्या होता है, उन लोग क्या करते हैं पॉलिसीज बनाते हैं हमारे लिए, एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव द एजुडिकेट लॉ, इट एक्सरसाइज लेजिस्लेटिव पावर्स एंड इश्यू रूल्स बायलॉज ऑर्डर्स ऑफ जनरल नेचर, ये हमारे कौन कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर तीनों चीजें को कवर करने की कोशिश वो कर रहे हैं। ये पॉइंट्स एक बार रीड करके आना जो मैंने मार्क किया है, दो पैराग्राफ्स। अब मैं सिर्फ तुमको एक ओवरव्यू देती हूँ सोर्स की, आखिरी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सोर्स क्या है, किस बेस पे आ रहा है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ को मैंने बता दिया डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जब वो उसको डिफाइन कर रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि लॉ में क्या क्या कवर होता है, तो भाई ये एक सोर्स है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर ने कुछ बोला है तो वो लॉ बन जाएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया कि हाँ लॉ की डेफिनेशन में ये होता है, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन में तीन चीजें पढ़ी थी हमने बच्चों, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और
कॉन्कर्नरिस्ट, तो जो यूनियन लिस्ट है वो पार्लियामेंट लेवल की थी, स्टेट लिस्ट जो हमारे लेवल की थी, और कॉन्करेंट जो दोनों की मिलके, तो उधर पे हमको पार एक दे दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में बोल दिया था एक स्टेट लिस्ट बनती है, हाँ एडमिनिस्ट्रेटर वालों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार है, तो हमारा एक सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर स्टैट्यूट्स, हमने बहुत सारे एक्ट में देखा है कि जहां पे एक एक्ट में क्लियरली बोल दिया ये वाली पार उसको, ये वाली पार उसको, जैसे एसेंशियल कमोडिटीज में मैंने बता दिया, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को पार दे दी, पार्लियामेंट ने बनाने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी, भाई इसमें और इंक्लूड करना है कर लेना, इसमें से और हटाना है हटा देना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सोर्स क्या हुआ, एक्ट, जो एक्ट बनाया उसमें वो दे देते हैं कि एमसीए को जैसे एज मे बी नेसेसरी, एज मे डीम्स फिट। अब हमने एक और एक्ट ऐसे पढ़ा था बच्चों, एफटीपी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जिसमें बहुत सारी कमिटीज थी, अब वो कमिटीज उस एक्ट के अंदर आ गई ना, वो एक्ट है प्रॉपर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो 5 साल की पॉलिसी बनी हुई थी, तो अब उसके अंदर इतनी सारी कमिटीज को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट दे दी थी, तो वो कहीं ना कहीं उससे उस पॉलिसी से डिराइव होता है कि उस अथॉरिटी उस एडमिनिस्ट्रेटिव के पास क्या पार है। फिर जुडिशियल डिसीजंस, हमने देखा है जज ने अगर कुछ बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि लॉ में तो ये लिखा है, लेकिन मैं ये इस चीज का ये इंटरप्रिटेशन चेंज करता हूं, बीइंग सुप्रीम कोर्ट मैं ये जजमेंट देता हूं, अब से ये चीज फॉलो होगी, तो सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ बोल देते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सोर्स वो भी है कि अगर जजेस कोई डिसीजन ऐसा दे रहे हैं जो लॉ में नहीं लिखा है तो हम वहां से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को भी इनबिल्ट कर सकते हैं। फिर ऑर्डिनेंसेस, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर वो आए तो वो भी एक सोर्स है कि हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वहां से आया है। और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, मतलब हमने देखा है कि अथॉरिटीज अब स्टेट गवर्नमेंट को भी पा रहे अपने स्टेट लैंड समझते हो ना, इमूवेबल प्रॉपर्टीज का जो लैंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो तुम लोग ने पढ़ा है वो पूरा इमूवेबल रिलेटेड था, हमने डेफिनेशंस पढ़ी, अब हर स्टेट का लैंड एक अलग से एक्ट होता है, लैंड रेवेन्यू एक्ट, महाराष्ट्र लैंड एक्ट, हर स्टेट का एक अलग, ये डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेशन, आप अपना एक्ट है अपने लैंड के हिसाब से अपना एक एक्ट बनाओ। डेलीगेशन रेरा में भी है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में रेरा बनाया हुआ उन्होंने, हर एक स्टेट का उन्होंने एक रेरा बनाया हुआ था वेबसाइट में, तो आप अपने स्टेट का अपने हिसाब से बनाओ, ये हम आपको डेलीगेशन देते हैं, इनको डिटेल में हम एक बार कल समझेंगे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का बेस सबको समझ आया, ठीक है, अभी याद करने के लिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली क्या है, डिटरमाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन पावर्स और ड्यूटीज, ठीक है, ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। उसके बाद तुम्हें ये चीज, जब बस बेसिक चीज है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ लोगों ने कैसे कैसे डिफाइन किया, ये तुमको एक बार रीड करके आना है।